शिव योग में द मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स परमेश्वर परमेश्वरी दो ही हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे ना कोई। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम की प्राप्ति। क्या उद्देश्य होना चाहिए? परम की प्राप्ति। जैसे मैंने बताया ना कि जब यंग एज थी तो सिद्धि, ये सिद्धि पहले प्राप्त कर ले, फिर वो सिद्धि प्राप्त कर ले, तो ऐसे भी किया मैंने। लेकिन जब पहुंचे आगे तो पता लगा कि एक एक के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करी, उस अनंत को ही समर्पण करने की चेष्टा करनी थी, अपने आप ही सब कुछ भीतर से जागृत हो जाता, बाहर से प्राप्त करने की क्यों चेष्टा करी, भीतर जो है उसी को, क्योंकि जो बाहर प्राप्त किया वो भीतर जग गया, और बाहर जो प्राप्त करना वो बड़ा कठिन था, भीतर जगाना बड़ा आसान था। तो जो बाहर रोशनी को प्राप्त किया तो भीतर की जगी, तो अरे ये क्या हो गया, तो ये तो भीतर ही था, लेकिन बाहर मैं कह रहा हूं कि मेरे को सिद्धि मिल जाए, जबकि वो भीतर ही, आठों सिद्धियां भीतर हैं, नौ निधियां भीतर हैं, उसके पश्चात संकल्प मात्र करना है, सब कार्य अपने आप स्वतः ही होता है, भाग भाग के अब कोई काम नहीं करना, बैठे बैठे संकल्प करना है। तो ये एक कर्म की चरम सीमा हो गई, एक सटलेस्ट लेवल हो गया। इसलिए साधना करनी है तो उस परम तत्व की साधना करी, परमात्मा की साधना करनी है। हमारे शिवयोग में हम मनुष्य पूजा नहीं करते, मनुष्य पूजा नहीं कभी भी की जाती, क्योंकि मनुष्य जो है परमात्मा ज्योतिर्मय है, अनंत है, और मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य गुरु हो सकता है, क्योंकि वो जो परम जो ज्योतिर्मय है उसकी परावाणी को मैं नहीं अनुभव कर सकता हूं, मुझे वाणी चाहिए, तो वो शरीर रूप में वो गुरु बन के आता है। और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, अवतार पुरुष जो हैं, वो भगवान गुरु बन के आया है, राम भी एक गुरु बन के आए, कृष्ण भी एक गुरु बन के आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया, गीता का उपदेश भी जो गुरु बताता है वही किया है, और जितने भी सिद्ध हुए वो गुरु है। तो गुरु की पादुका की पूजा होती है, पादुका की इसलिए क्योंकि जिस मार्ग पे तुम चले मैं उस मार्ग की अनुसरण करता हूं, मैं उसको आदर करता हूं, आई रिस्पेक्ट योर टीचिंग्स, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। तो हमारा क्या आसान हो गया, गुरु की पूजा चालू हो गई, घंटी वंटी उसी को प्रसाद वरसाद चढ़ा लिया। परमात्मा गुरु इसलिए जीवन में आया है कि जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसको जागृत करे, और परमात्मा जो परम सत्ता है उसके साथ जोड़े। इज इट क्लियर? शिव योगी कोई मनुष्य की पूजा नहीं करेंगे, वो निराकार निर्गुण निराकार अनंत उसकी पूजा करेंगे, वो साकार बनता है, माध्यम बनता है, तो साकार की पूजा नहीं है, साकार गुरु है, वो बता रहा है, उसको सुनो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसका आदर करो, और जो वो कह रहा है उसको करो। किसको प्राप्त करना है? वो निर्गुण निराकार।